हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। राम मंदिर विरोधियों पर बरसा दिल्ली का दीपक। INDIA नेताओं की कुंडली खोल डाली। अरे वाह, मोदी वर्सेस राहुल गांधी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। फिरोज खान का पोता उर्फ राहुल गांधी। आपको लगने ना भीत पे किसी ने फिरकी ली है। ऐसा है, एक मिनट के लिए भाई साहब, ये फिरोज खान। अच्छा। आदरणीय राजीव गांधी। हाँ। राजीव गांधी के बाद आया राहुल गांधी। हाँ। फिरोज खान, राजीव गांधी, राहुल गांधी। हाँ। यहाँ क्या हुआ है? राजीव गांधी कैसे हो गया फिरोज खान के साथ? यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छा। मगर जो राहुल गांधी के बाद आएगा वो कौन आएगा? कोई आ ही नहीं रहा। उसको शादी कौन आएगा? तुलसीदास खान। अरे यार, पूरी लोग कहते हैं दाल में क्या काला है, यहाँ पाली पूरी दाल ही काली है। अच्छा। हाँ, कैसे काली है? वेस्टर्न कल्चर। दिन में जनेऊ पहनते हैं, रात को कहते हैं कि लालू जी ने बड़ा अच्छा मुर्गा बनाया था। अरे वो बकरा पार्टी हुई थी याद है? अरे लालू प्रसाद यादव वहाँ खड़े होके कह रहे हैं ईसा मसीह, ईसा मसीह। अरे अच्छी बात है, तुम्हारा धर्म है, तुम ईसा मसीह करो। उधर कह रहे ख्वाजा मेरे ख्वाजा। भैया मैं नहीं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं इज्जत सबकी करता हूँ। मगर राम राम बोलने में लालू को क्या दिक्कत है? वैसे बोलता है मैं यदुवंशी हूँ। क्या यदुवंशी का मतलब पता है? यदुवंशी होता है यादवों का वंश, जिसे कहते हैं कृष्ण का कुल। अरे तुम कृष्ण के कुल को क्यों बदनाम करते हो भाई? क्यों बदनाम करते हो? और वो तेजस्वी यादव, क्या तेजस्वी यादव, जहां देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। वो क्या बोलता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार का उप मुख्यमंत्री कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। पागल आदमी, तुझे उप मुख्यमंत्री बना दिया। वही तो मैं कह रही हूँ। पढ़ेंगे भाई, मनीष कश्यप आ गया, जेल का ताला टूट गया, मनीष कश्यप छूट गया। अरे विनय दुबे, मुंबई वाले, विनय दुबे मुंबई वाले, ये डाला। अच्छा, ये डाला पर्सनल है। क्या कह रहा था? ये पर्सनल में डाल देना। अच्छा, टैग कर देना। क्या कह रहा था? दिल्ली के दीपक को चैलेंज कर रहा था, एक नंबर गेट में आऊंगा। अरे हाय भैया, गेट नंबर एक दिखाना पीछे पालिका का, तुम्हें कसम होगी प्रभु श्री राम की। आ जा भैया, पालिका बाजार दिखा दो। और ये जरूर डाल ले एक नंबर गेट। अच्छा, हेलो विनय। कौन है विनय? तीन राज्यों में भगवा की सरकार बनी है, बीजेपी की नहीं बनी भैया, भगवाधारियों ने वोट दिया है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी, सब हमारे भाई हैं जिन्होंने सपोर्ट करी है। ये विनय दुबे क्या कह रहा था? अगर मनीष कश्यप बाहर आ गया तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। कब करेगा भैया? कब करेगा? बड़ी पोस्ट डालता है कांग्रेस का चमचा। अरे तुम्हारा तो चम्मच भी आजकल ढीला हुआ पड़ा है। मोए 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 मोए। ये राहुल गांधी चिरकुट क्या बोल रहा था मोदी को? हेलो कांग्रेस, एक दो तीन, तीन राज्यों में हो गया। मोए 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 कह रहे थे। अरे एक बंदा मेरे को मिल नहीं रहा छत्तीसगढ़ का, वो कह रहा है मैं मूछे मुड़वा लूंगा, दाढ़ी मुड़वा लूंगा, जहर खा लूंगा। और एक वो जंतर बंतर में बैठता है अयोध्या वाला, जो पूरे दिन पैसा लेके भोगता है। यहाँ हमारे साथ ही लोटा था हमारे पैरों में। अच्छा। है कौन सा बोझा? का बोझा? कहता था हिंदू राष्ट्र, राम, श्याम। अब अब्दुल चाचा के साथ बैठ के थुकी हुई बिरयानी खा रहा है। इतना पैसा मिल गया, इतना पैसा मिल गया कि रातों रात बाप बदल दिया। अच्छा। रात रात में बाप बदल दिया। अरे उसको रोजगार मिल तो गया है बोझा को। अब क्या बोल रहा हूँ मैं? ईवीएम हैक हो गई। क्या ईवीएम हैक हो गई? क्या हैक हो गई? ईवीएम क्या हैक हो गई? ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। मुझे तो लग रहा है मोदी जी ने उसकी वो चीज गायब करा दी है जो किसी काम का नहीं रहा हो। इनको राम राम बोलने में दिक्कत है, इनको तिलकधारियों से दिक्कत है। और इनको दिक्कत किस चीज से? मैं सॉरी, मैं आज निकालना भूल गया। दिखा दिखाओ दिखाओ, इनको दिक्कत है अंगूठा। भगवा भगवा भगवा,
इनको मेरे भगवा वस्त्र से दिक्कत है। अरे भड़वो, मेरा योगी तो नीचे से ऊपर तक भगवा है, उसका कुछ बिगाड़ के दिखाओ। नहीं, कहाँ दिक्कत है, वो कह रहे अगर बुलावा आएगा तो राम मंदिर, अगर बुलावा आएगा तो राम मंदिर जाएंगे। इनको आखिरी टाइम पे बुलाया जाएगा, राम का नाम सत्य है। ये लोग सेकुलर है, सेकुलर क्या, ये राम भक्त नहीं बन सकते कभी, क्योंकि ये लोग जब तक थुकी हुई बिरयानी खा रहे हैं, इनको क्लियर मना करता है अब्दुल चाचा। अच्छा, अरे बिरयानी खा लो मगर राम राम मत बोलना। हम बता रहे हैं, अरे मेरे भाई, जितना राम हिंदुओं का है अगर दिल से मानो तो उतना ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम मुसलमानों का भी है, उतना ही सिखों का भी है, उतना ही ईसाइयों का भी है। मगर जब तुम राम को गाली बकोगे, एक वो कौन है वो लौंडा जो आजकल बिग बॉस में उछाले मार रहा है, सीता माता को गलत बोल रहा है, बोले तेरे को तो मैं घुस के मारूंगा। मजाक मत बनाओ, संविधान है देश में, राम का मजाक बनाओगे तो काम भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। हिंदू जाग रहा है फिर भी अपमान हिंदुओं का हो रहा है। हिंदू जाग नहीं रहा है भाई साहब, हिंदू जग चुका है। अगर ये तीन राज्यों में छत्तीसगढ़ वाले, राजस्थान वाले और मध्य प्रदेश वाले, भैया इनके लिए तो मैं भी ताली बजाऊंगा। भाई गॉड, उत्तर प्रदेश वालों को टक्कर दे दी। अच्छा। ना हमें बिजली पानी फ्री में नहीं चाहिए। भाई केजरीवाल, तीन राज्यों में जमानत भी जब्त हो गई केजरीवाल की। राघव चड्ढा, उसका तो चड्ढा ही उतर गया। अब तो बॉलीवुड वाली उसकी हीरोइन हमारी भाभी परिणीति चोपड़ा, वो भी कह रही है तुसी रहने दो, उन बॉलीवुड से आ जाओ। कुछ नहीं रखिया, पता क्या कह रही है हस्बैंड हमारी भाभी परिणीति चोपड़ा, कह रही अंदर खाते थे मैं भी मोदी नु पसंद करनी है। हाँ भाई, मोदी आदमी नहीं, मोदी मैजिक है। उसका चेहरा देखो, उसका चेहरा देखो, उसके चेहरे को देख के, अरे लंदन में लोग दारू पी रहे थे, उसने चीयर्स करा और गिलास नीचे रख दिया। उसने बोला कि मेरे देश के युवा देखेंगे तो कहेंगे देश का प्रधानमंत्री दारू पीता है। उसने गर्म पानी पिया, चाय पी, और ये वेस्टर्न कल्चर वाले 70 साल से क्या कह रहे थे पता है, जस्ट चील चील जस्ट चील। आप कह रहे मोदी मैजिक है, राहुल गांधी जी बार बार चैलेंज करते रहते हैं कि हिम्मत हो तो मेरे से डिबेट करें आके। बिल्कुल सही कह रहा है राहुल गांधी, राहुल गांधी अद्धा पीने के बाद सही बोलता है। अच्छा, सही कह रहा है वो, राहुल गांधी पीते हैं भाई, पीने के बाद मोदी क्यों बहस करेगा उससे। आप अपने कैमरे में किसी पीए हुए को बुलाओगे? देखो भैया, शेर जो होता है ना, शेर रणभूमि में लड़ता है, और बकरियों की हमेशा बलि दी जाती है, तो बलि किसकी दी जाती है, बकरों की। अगर राम के लिए फर्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि मुझे सर्दी, मैं भी आखिरी कर रहा हूँ, राम मंदिर वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर राम के खिलाफ कुछ बोला, सीता माता के लिए कुछ खिलाफ बोला, या सनातन धर्म के लिए कुछ बोला, तो इंतजार करो योगी आदित्यनाथ का और हमारी पावर का, इन सब के पर्चे बनाऊंगा मैं। अच्छा, मजेदार बोला था, कमाल का था, कि जिस तरह से बोल तो रहे थे कि वो क्या, उसके फादर का नाम, फिर राजीव गांधी, और उसके बाद राहुल गांधी। वो कह रहे हैं कि भैया ये राजीव गांधी के साथ यहाँ और यहाँ में ये कि नाम का हेर फेर कैसे हो गया, वो खान यहाँ से गांधी कैसे बन गया, यहाँ पंगा है, यहाँ पंगा है। तो वही लोगों को बेवकूफ बनाने का, देखो कैसे लोगों को इतने सालों सालों से बेवकूफ बना रहे हैं कि अपना नाम ही चेंज करके लोगों को लगे कि ये गांधी जी के परिवार के हैं, ताकि उनके नाम पे वोट लेके, जैसे इतने टाइम से राज कर रहे थे देश को, वैसे ही हम करते रहे। तो इन्होंने सारा बताया है और रोस्ट अच्छा किया है, रोस्टिंग वॉज गुड। और देखो, भगवान के नाम पे अगर तुम कुछ उस टाइप से अपशब्द बोलोगे तो कोई भी हिंदू नहीं सुनेगा, कैसे तुम्हारे में इतनी हिम्मत हो रही है। और वो तो राहुल गांधी हो गया ना शुरू, अपनी एक और यात्रा का वो करना शुरू हो गया, उनका अपना ही चल रहे हैं। उससे देखिए काफ़ी टर्मोइल चल रहा है, इन सब चीज़ें देख रहे हैं, मगर पॉलिटिक्स में और रिलीजन को कंबाइन नहीं करना चाहिए। एक तरफ बहुत अच्छा हो रहा है, जो लोग भगवान में बिलीफ रखते हैं, भगवान राम में बिलीव करते हैं, ये तो जस्टिस मिली है, जो ठीक होना चाहिए वो हुआ, भगवान की वर्शिप करते हैं।
अच्छा इंसान बनते हैं मगर पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लेके आ रहे। पॉलिटिक्स कौन ला रहा है? यही लोग, वही लोग ला रहे हैं, वो तो सिर्फ करने जा रहे हैं। कह रही थी कि राम मंदिर आएगा, लेके आए, वेरी नाइस। वो इसलिए कह रही थी क्योंकि लोग चाहते थे। तो एक पार्टी जो सही था वो कराए, वो लोगों को देखती है कि जिस जो पार्टी पावर में आती है वो देखती है लोग क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं उसके हिसाब से पार्टी इज वर्किंग, तो उसके हिसाब से। बट बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है जहां तक मुझे लग रहा है, बट कांग्रेस खेल रही है पॉलिटिक्स की। इन्होंने तो सबको इनविटेशन भेजा, यहां से गवर्नमेंट ने सबको इनविटेशन भेजा, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ये ऑपोजिशन इस पे भी। नहीं तो तुम चुपचाप जाओ, भगवान के सामने माथा टेको, अच्छा काम है। खुशी का टाइम है सब लोगों के लिए कि आप जाइए अयोध्या, वही तो भगवान का दर्शन करिए, वापस आइए। बिल्कुल, इन्होंने पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन के टाइम भी यही किया था, अब भी यही कर रहे हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने सिर्फ अपनी गंदी पॉलिटिक्स खेलनी है। काम जो कर रहे हैं वो तो मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए इनके इनके वो परवाही नहीं करते। मोदी जी को पता है मैंने तो देश को आगे बढ़ाना है, मैं तो उसी के उस पर काम कर रहा हूँ, तुम करते रहो अपनी गंदी पॉलिटिक्स। तो चलो फ्रेंड्स, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।